चंडीगढ़ के सेक्टर 52 एवं सेक्टर 56 में करीब 8,000 लोग टीन शेड्स में गुजर बसर कर रहे थे और वहां स्वच्छता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी कई मूलभूत समस्याओं से वे रोजाना जूझते थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने इन सभी का योजनाबद्ध सर्वे कर पुनर्वास का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद शहरी प्रवासियों एवं गरीबों को सम्मानजनक एवं सुगम जीवन जीने हेतु चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा किफायती किराए पर मूलभूत नागरिक सुविधाओं सहित अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बसाया गया है। कच्ची जुग्गी में रहते थे, वहाँ बहुत दिक्कतें थी, बहुत गंदगी थी। अपनों से ज़्यादा बच्चों की हालत पे तरस आता। फैमिली आराम से अंदर लैटरिन, बाथरूम, किचन, जो भी टॉयलेट वगैरह अंदर बढ़िया सेफ्टी से बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया है। खुला डुला मकान मिल गया, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, सब ठीक है। यहाँ पे तो हर चीज़ है खेलने के लिए, सब कुछ है। यहाँ पे झूला है, स्कूल है पास। यहाँ तो बहुत फायदा है, सब कुछ अंदर है, कोई बात की लड़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अंदर अपना बनाओ खाओ, लाइटिंग बाथरूम अंदर ही है। और वहाँ तो थोड़ा लाइटिंग बाथरूम सब लोग जाते थे, बाहर रहता था। अब तक गंदगी में रहे हैं, 52 में इतनी गंदगी थी कि स्कूल की सुविधा नहीं थी कोई इतनी खास, पार्क की सुविधा नहीं, लाइट की, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आए हैं तो गवर्नमेंट ने बेसिक रेंट पर दिए हैं कमरे पर, लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा की है। आम लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती रात को, यहाँ पे थोड़ी ये है कि चलो सुविधा है, लाइट लुइट है, रास्ते पार्क हैं बने हुए। मैं 3,000 रेंट में रह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने योजना लेके आए, हम लोगों के बारे में सोचा। हमारा देश इतना वास्ट है, यहाँ की कोने कोने से, जहाँ डेवलप्ड एरिया है जैसे चंडीगढ़, कई सारे मजदूर भाई बाहर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए। उनको यहाँ सही रेट में कोई जगह भाड़ा में रहने का जुगाड़ नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो रेंटल आवास स्कीम है, इससे हम उनको सही रेट में अच्छे घर, फ्लैट्स प्रदान कर सकते हैं। हम बधाई देना चाहेंगे मजदूर भाइयों को कि ये स्कीम का सुविधा उनको चंडीगढ़ में मिला है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लागू करवाने में चंडीगढ़ देश में पहले पायदान पर है।